हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रजेश। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 23, वीडियो नंबर 6 है ये। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 23 वीडियो नंबर 6, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स का चैप्टर चल रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 23 क्या कहती है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है अपना। प्रैक्टिस सेट 23 मतलब इसको समझने के लिए अगेन यू विल हैव टू बी बिट पेशेंट एंड आप लोग को थोड़ा सा मतलब फोकस भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या काफी रहना पड़ेगा। पहला ट्राई करते हैं देखने का। लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हो इस चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर दबा के रखे हैं ताकि फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक तो करना तो बनता है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको पूछा जा रहा है 2/7 और 6/7 के बीच में आप 3 रैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करें। बड़ा ही सिंपल है। 2/7 और 6/7 में डिनोमिनेटर आपका सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो 2/7 और 6/7 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? एक तो 3/7, फिर 4/7, 5/7। These are three different rational numbers in between 2/7 and 6/7. ठीक है, so ये तो हो गया एक। अगर आपको बोला मोर देन थ्री तो क्या करोगे? सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 2/7 को आप क्या करो मैं बता रहा हूं, रुको रुको रुको, आप सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? 4/14। समझा इतना? अगर आपको बोला है 3 से ज्यादा रैशनल नंबर, या बोलिए 10 रैशनल नंबर, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 6/7, तो क्या करना? ठीक है, ये हो गया आपका, ये कर दिया मैंने। मैंने आपको ये बताया 2/7 को कैसे लिखोगे। 6/7 के लिए भी वही काम करो। आप 6/7 में आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 करो, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 7 × 2 = 14। समझ में आया आप लोग को? आपने 2/7 को 4/14 लिख दिया, 6/7 को 12/14 लिख दिया ना। अभी क्या करोगे? 4, देखो डिनोमिनेटर में 14 है, दैट इज गुड। डिनोमिनेटर वैसे भी कॉमन कर मतलब सेम करना ही पड़ता है, सो डिनोमिनेटर में आपका 14 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 5/14, 4/14 में और 4/14 एंड 12/14 के बीच में क्या मैं बोल सकता हूँ 5/14, 6/14, 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, इतने सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं 11/14। सो दीज आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 6/7 अल्टीमेटली, जो कि 4/14 और 12/14 बोलते हैं हम लोग। तो अगर सपोज आप लोग को बोला उन्होंने कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 7 है, आप लोग को बोला कि 20 रैशनल नंबर्स या 7 से ज्यादा रैशनल नंबर्स आपको पूछा कि बताओ 7 से ज्यादा रैशनल नंबर्स आप कैसे निकालोगे इनके बीच में। सिंपल है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, जिससे भी मन करे। सो आपका जो गैपिंग है वो बढ़ जाएगी। किसकी गैपिंग की बात कर रहा हूँ? इन दो रैशनल नंबर्स के बीच की गैपिंग बढ़ती जाती है अगर आप उस पर्टिकुलर नेचुरल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो। जितना आप बड़ा नंबर लोगे, जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो आपको वही गैपिंग थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। अगर आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आपने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई किया, तो भी आप लोग को ज्यादा गैपिंग मिलने चालू हो जाएगी। ठीक है, मैं भी शायद से आप लोगों को पूरी तरह से यहाँ पे नहीं समझ रहा होगा। हम सेकेंड क्वेश्चन, जब सेकेंड सब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको शायद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 4/5 है एंड देन 2/3। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। पहला यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो पहला तो अपना चैलेंज है कि डिनोमिनेटर को सेम कर। डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे आप? सबसे पहले 4/5
एक मिनट गाइस, आप लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, करेक्ट? डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, पहले तो एलसीएम निकालो, एलसीएम 5 और 3 का निकालो, कितना हो जाएगा 15। आपको डिनोमिनेटर में पहले 15 लाना है, ये समझो बात को। सो आपको 4/5 को लिखना पड़ेगा, 4 × 5 × और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी हो जाएगा 12/15। डिनोमिनेटर सेम होने जा रहा है, अभी अगला स्टेप आएगा जहां पे हम 2/3 को लेंगे। सो 2 × 3 × अब डिसाइड करो डिनोमिनेटर को 15 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 से, ठीक है? ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि 3 5 15 होता है, न्यूमरेटर में 5 2 10 होता है, ये हो जाता है 10/15, ठीक है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर आपका 12/15 और 10/15 आ गया, ठीक है, तो अभी आप आइडेंटिफाई करो कि 12 और 10, देखो डिनोमिनेटर सेम है, 10 और 12 न्यूमरेटर में, 10 और 12 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 10 और 12 के बीच में 11 आएगा, तो एक ही रैशनल नंबर मिलेगा आपको। सो एक नहीं चाहिए, 3 चाहिए या ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो। आप फर्दर क्या करो, आप 12/15 को × 2 करो, यहाँ पे भी 2 करो, ये हो जाएगा 24/30, ये एक हो गया। फिर आप 10/15 का भी वही हिसाब किताब लगाओगे, × 2 करो, ये हो जाएगा 20/30। अब आप डिनोमिनेटर में देखोगे 30 है, जो कि दोनों में सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में 30 आ गया। न्यूमरेटर इफ यू ऑब्जर्व, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में 20 और 24 है, 20 और 24 है। सो 20 और 24 इफ यू सी, इनके बीच में गैपिंग 21 22 23 का है, 3 का गैपिंग है। जैसे फॉर यहां से 21/30, 22/30 एंड 23/30, दीज आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 4/5 एंड 2/3। सी 4/5 और 2/3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से ही तो बन के गया है आगे, यहां से ही तो आपको 12/15 10/15 आया, इसी के आगे तो आपको 24/30 एंड 20/30 आया, इसलिए मेरा जो बेसिस दे रहा है मुझे वो यही क्वेश्चन ही है। मैं वापस से वही स्टेटमेंट लास्ट में लिख ही दिया, मैं लिख ही दूंगा कि 21/30 22/30 23/30 दीज आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 2/3। आपको एक और चीज बताता हूँ, आप लोग एक और चीज बताता हूँ, मैं आपको वेरीफाई करने का वेरीफाई करवाने करने के लिए बोलता हूँ। 4/5 को आप कैलकुलेटर में देखो, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको कोई तो डेसिमल नंबर आएगा, फिर 2/3 आपको डेसिमल नंबर आएगा, इसको आप दो अलग अलग जगह पे रखो, ठीक है? फिर 21/30, 22/30 एंड 23/30, ये तीनों नंबर को, तीनों जो रैशनल नंबर है इनको भी कैलकुलेटर में सॉल्व करो। और आपने जो कैलकुलेटर में ये दोनों सॉल्व किया था ना, आप देखोगे ये तीनों की तीनों जो डेसिमल वैल्यूज है, ये इनकी डेसिमल वैल्यूज के बीच में लाई करेंगी, समझ रहे हैं आप लोग? आप अगर इनको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आप पाओगे कि कैलकुलेटर में अगर इन दोनों को सॉल्व किया, मतलब इनका वैल्यू निकाला, डेसिमल वैल्यू निकाला, सो आप देखोगे ये तीनों का डेसिमल वैल्यू 4/5 एंड 2/3 वाले के बीच में ही लाई करता है। इससे क्या हो जाता है, आप लोग के कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम किस तरह से वेरीफाई करें, ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस? ओके, चलो लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सम, आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। -2/3 है एंड 4/5 है, अभी तक माइनस नहीं आया था, अभी जैसे जैसे अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक आपको विजुलाइज करवा देता हूँ कि किसी ने पूछा -2 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। सो कई बच्चे क्या बोलते हैं, 3 4 2 ही आएंगे मैम, यस सर 2 ही आएंगे,
लेकिन मैं बोलता हूँ कि देखो नंबर लाइन पे इसको जरा विजुअलाइज करो, -2 के बाद -1 आता है, फिर 0, फिर 1 2 3 4 एंड देन 5 आता है। -2 एंड 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स आते हैं, 6 नंबर्स आते हैं। समझ में आया? सो थोड़ा सा ना आप लोगों को नंबर लाइन भी विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि रैंडमली आपको वैल्यू निकालनी है। ओके ना, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। -2/3 इज इक्वल टू, देखो -2/3 एंड 4/5 है आपका। सो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, किसका, 3 एंड 5 का, जो कि 15 है। चलो लास्ट लास्ट सम वाले की तरह हो रहा है। ओके फाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, -2/3 के डिनोमिनेटर में 15 लाना है। सो आप डिनोमिनेटर जो कि 3 है उससे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या आएगा, -10 कहाँ पे, न्यूमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, 15। आज यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, न्यूमिनेटर में -10 डिनोमिनेटर में 15 आ गया। उसी तरह से आप देखोगे कि 4/5 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू एंड 5 इंटू, आपके डिनोमिनेटर में 5 है तो आपको 5 इंटू क्या करना पड़ेगा कि 15 आएगा डिनोमिनेटर में, 3। इसी तरह से न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, से हो जाएगा 12/15। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ना? तो पॉइंट इज -10 और 15, -10 और 12, देखो डिनोमिनेटर सेम है, सो अब -10 और 12 के बीच का नंबर देखते हैं। सो मुझे एक बात बताना, -10 और 12 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स हैं? हम लोग लिखेंगे कि माइनस, देखो मैं आपको विजुलाइज करवाऊँ क्या, मैं आपको विजुलाइज करवाता हूँ। -10, -10 होता है, नंबर लाइन को देखो, नंबर लाइन को विजुलाइज कर दो, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना कितने सारे नंबर्स आ गए, राइट? मैं बोल सकता हूँ कि -9/15, -8/15, -7/15 आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 4/5। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट गाइज, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आप और बहुत सारी चीज बहुत सारे लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो -9/15, आप लोग -8/15 लिख सकते हो, -7/15, -5/15, -3/15, फिर 1/15, 2/15, 3/15, अरे आप बहुत सारा लिख सकते हो, बस आपको 12/15 के अंदर रहना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? सो इस तरह से हम कई सारे क्या निकालते हैं, रैशनल नंबर्स बिटवीन। अच्छा, इसका ये भी कंक्लूजन निकलता है, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बराबर? इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। प्लीज समझने की कोशिश करो बच्चों, समझने की कोशिश करो, ठीक है? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आ रहा होगा। चलो लेट अस ट्राई दी फोर्थ वन, लेट अस ट्राई दी सब क्वेश्चन नंबर फोर, 7/9 एंड -5/9, 7/9 एंड -5/9, इसको कैसे करोगे आप? आपका डिनोमिनेटर सेम है, सबसे अच्छी बात तो वही है, और फिर आपको ये विजुलाइज करना है -5 और 7 के बीच में कितनी गैपिंग है। ओके सो जैसे कि -5 लिखा मैंने, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6, अरे इतने सारे लोग हैं -5 और 7 के बीच में, मतलब आपको आपको बहुत सारे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि -5
माइनस फोर अपॉन नाइन, माइनस थ्री अपॉन नाइन, माइनस टू अपॉन नाइन, माइनस वन अपॉन नाइन, जीरो अपॉन नाइन, सारे लिख दे रहा हूं मैं, वन अपॉन नाइन, टू अपॉन नाइन, थ्री अपॉन नाइन, फोर अपॉन नाइन, फाइव अपॉन नाइन, सिक्स अपॉन नाइन, सेवन नहीं, सेवन अपॉन नाइन, बिटवीन सेवन, आर आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 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 सेवन अपॉन नाइन एंड माइनस फाइव अपॉन फाइव. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप सभी को समझ में आ रहा है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? ओके सो अच्छा, जीरो अपॉन नाइन क्या होगा? जीरो अल्टीमेटली. ओके सो कॉन्फिडेंस को आगे की तरफ लेके जाते हैं. एक दो तीन चार सम और है इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में. सो लेट अस ट्राई डूइंग दिस. करें क्या हम लोग प्रैक्टिस सेट आगे बढ़े क्या? फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं. ट्राई करोगे आप लोग? क्या बोलते हैं? चलो ट्राई करते हैं प्रैक्टिस सेट 23 वाला आगे का ट्राई करते हैं. फिफ्थ वाला करते हैं, माइनस थ्री अपॉन फोर एंड फाइव अपॉन फोर. देखो माइनस थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन फोर, मुझे एक बात बताओ, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर, और बाद में मतलब माइनस थ्री और फाइव के बीच में इतने सारे लोग आ गए. सो बड़ा सिंपल है यार, माइनस थ्री ये नहीं लिखेंगे. सो माइनस टू अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर, माइनस जीरो अपॉन फोर, फिर वन अपॉन फोर, टू अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर, फोर अपॉन फोर आर रैशनल नंबर्स. मैंने सारी लिस्टिंग डाल दी यहाँ पे जो जो पॉसिबल आदि रैशनल नंबर्स. इनमें से आपको कोई तीन चूज करने, नंबर्स बिटवीन बिटवीन माइनस थ्री अपॉन फोर एंड फाइव अपॉन फोर. करेक्ट? समझ में आया आप लोग? आप लोग को समझ में आया गाइस? माइनस थ्री अपॉन फोर एंड फाइव अपॉन फोर, सॉरी. इजी है. अगर आप लोग को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप वापस से वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाए. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सिक्स, सब क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन अपॉन एट एंड माइनस फाइव अपॉन थ्री. क्या करोगे आप इसमें? क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं, एलसीएम लेना है आपको. एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स के. आप अगर एट और थ्री का एलसीएम लेते हो ना, यू विल बी गेटिंग 24. आप देखो एलसीएम निकालना आसान है, आप लोगों को आता है, तो ऐसा बहाना मत करना कि आपको नहीं आता. एलसीएम एक बार आ गया आपको तो क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में किसी तरह से 24 लाना है. सो ये थ्री, ये थ्री, सो सेवन थ्री 21 अपॉन 24. इसी तरह से आपको माइनस फाइव इंटू एंड थ्री इंटू करना पड़ेगा. एट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये माइनस 40 अपॉन 24. So, आपने ये देखा कि माइनस फोर्टी आपको समझ में आ रहा है, जीरो बीच में है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस ट्वेंटी, माइनस थर्टी, माइनस फोर्टी, कितना कितनी सारे नंबर है, आप समझ रहे हो? फिर यहाँ पे ट्वेंटी वन, जीरो, वन टू थ्री फाइव, ट्वेंटी वन, इतना बड़ा गैपिंग. तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ कि माइनस 39 अपॉन 40, माइनस 37 अपॉन 40, फिर माइनस 31 अपॉन 40, बीच बीच के लिख रहा हूँ, माइनस 24 अपॉन 40, माइनस 14 अपॉन 40, माइनस 4 अपॉन 40, 1 अपॉन 40, 2 अपॉन, सॉरी मैं 40 क्यों लिख रहा हूँ, ये तो बाउंडर हो गया यहाँ तो. मैं नीचे क्यों टू, एक मिनट में वैसे नहीं है, करो मैं उसको मिटा देता हूँ. पता नहीं क्या दिमाग में आ गया, 40 क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, 40-40 आ गया ना दिमाग में मेरे, इसीलिए वही वही आ गया मेरे ख्याल से, वही प्रेजेंट हो गया यहाँ पे. मैं ये बोल रहा था कि माइनस 40, माइनस 40 अपॉन 24 तो नहीं लेना है, माइनस 39 अपॉन 24, फिर माइनस 29 अपॉन 24, फिर माइनस 19 अपॉन 24, फिर माइनस 9 अपॉन 24, फिर उसके बाद 9 अपॉन 24, फिर उसके बाद 19 अपॉन 24, ऐसे कितने सारे आर
रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स नंबर्स इन बिटवीन बिटवीन 7/8 एंड -5/3। इतने सारे रैशनल नंबर्स गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ओके, वेरी गुड। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी आ रहा है यहाँ पे। सो इसी तरह से आप लोग ट्राई करते रहो। अभी दो और बचे हैं, एट सेवेंथ वाला करते हैं। सेवेंथ वाला 5/7, 11/7। अब ये तो आप होमवर्क में करो। 5/6/7, 8/7, 9/7, 10/7। सो ये आपके रैशनल नंबर्स, रैशनल डायरेक्टली आ गए, रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 11/7। समझा आप लोग? फिर आप लोग को डाउट आएगा, भाई एट वाला कैसे करेंगे? 0 and -3/4। देखो डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, लॉजिक वही है। सो जीरो को आप लिख सकते हो 0 into 4/4, हो जाएगा 0/4। -3/4 तो -3/4 ही होगा। सो मुझे एक बात बताओ, 0 और -3 के बीच में कौन कौन आएगा? 1/4, 2/4। अच्छा सॉरी, 0/4 एंड -3 के बीच में, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना। सो -1/4, -2/4, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि दो ही मिल रहे हैं आपको, 0 और -3 दो ही मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, वापस से 0/4 को थोड़ा सा और आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्यों? ये हो जाएगा 2/8। सुनो रुको ना, उसके बाद -3/4 को हम लिखेंगे (2) और नीचे 2, तो हो जाएगा -6/8। अब आप 0/8, ठीक है। सो अब 0 और -6 के बीच में गैपिंग ज्यादा है, ठीक है। सो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8। सो ये छोड़ दो, लेकिन दीज आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and -3/4, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and -3/4। समझ में आया आप लोग को? Isn't it easy? Guys, बताओ. Isn't it easy? ठीक है? So, यहां तो हमने प्रैक्टिस सेट 23 को अलविदा कहना चालू कर दिया। प्रैक्टिस सेट 23 हमने कर लिया है, प्रैक्टिस सेट 24 आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा। लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक ख्याल रखें। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबा के रखना ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको, और प्लीज लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय मेरे बच्चों, बाय।